अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हम मौलाना मोइन खान आपकी सभी परेशानियों का हम देंगे समाधान। परेशानियां हैं पर समाधान भी है। यदि आपको परेशानी है तो उसका समाधान भी है। आपको या आपके पति पत्नी में अनबन या सगाई तुड़वाना या तलाक रुकवाना या तलाक तोड़ना, ऐसी परेशानियों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत सरल और आसान उपाय, समाधान। देखिए, सबसे पहले आपको यदि आप के किसी की सगाई तुड़वानी है या आपको तलाक रुकवाना है या तलाक करवाना है किसी का, या मियां बीवी या पति पत्नी के बीच अनबन है उसको आप रुकवाना चाहते हैं, ऐसी समस्या का समाधान देंगे मौलाना मोइन खान। देखिए, सबसे पहले आपको यदि मान लीजिए आपकी पति पत्नी में अनबन होती है तो आपको सबसे पहले अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो अपने पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसका नाम है मोहित। ये उदाहरण के तौर पर नाम है, आपको असली नाम लिखने हैं। मोहित की माँ का नाम है आपको लिखना है इधर, या माँ का नाम आपको पूरा लिखना है, असली मैंने खाली माँ लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, आपको उदाहरण के तौर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नक्श की तैयारी करनी है, बनाना है नक्श सीधे सीधे लाइन खींच के, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मियाँ बीवी के बीच, पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है, उसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहले मोहित प्लस माँ का नाम, माँ का आपको पूरा नाम लिखना है मोहित की। फिर आपको ये नक्श बनाना है नौ खोने का, जिसमें नौ नौ आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है जो उसकी पत्नी है, नेहल प्लस माँ का नाम। अगर आदमी करेगा तो लास्ट में उसका नाम आएगा, औरत का पहला आएगा। इसको करने के बाद आपको अगर आपको इससे तलाक रुकवाना है, शादी में सगाई टूटवानी है, उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपको उसके बाद आपको अच्छे तरीके से इसको जलाना है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से आपको जलाना है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस तरीके से इसको जलाना है, अच्छे तरीके से जलकर आग हो जाना चाहिए पूरा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कि जैसा कि आप देख रहे हो, इसको करते ही आपका तलाक रुक जाएगा, मियाँ बीबी के बीच जो अनबन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अनबन, और भी बहुत सारी परेशानियाँ इससे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आपको इसमें कुछ भी कुछ परेशानी या कुछ और समाधान जानना है तो दिए हुए नंबर पे आप इसका समाधान ले सकते हैं।